हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्निंग फोलियो में। आज हम लोग श्री सीमेंट के एनुअल रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कंपनी अपने सेक्टर की सबसे बढ़िया कंपनी है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसे जरूर देख सकते हैं। उसमें इसके डिटेल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि श्री सीमेंट के लिए हमारा जो एस्टिमेट था रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का वो कितना था, और एक्चुअल नंबर जो इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं वो कैसे नंबर पोस्ट किए हैं, ओवरऑल सेक्टर में क्या चल रहा है, और इस कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट जो अपडेट दिए हैं वो कौन से अपडेट दिए हैं, और आम निवेशकों के लिए इस कंपनी में बने रहना चाहिए या फिर इस कंपनी से एग्जिट होने का टाइम है, और नए निवेशक क्या को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इससे दूर रहना चाहिए। और इसी के साथ हम देखेंगे कि 2019 से 20 के बीच में हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके एनुअल रिजल्ट्स पे चर्चा करते हैं। इसका जो रेवेन्यू था वो 2018 में ये लगभग 100,000 मिलियन का इसका रेवेन्यू था, और 2019 में इसका रेवेन्यू बढ़कर 125,000 मिलियन का हो गया। तो ओवरऑल इसने 23.5% की रेवेन्यू ग्रोथ इसने दिखाई है। प्रॉफिट हालांकि इस साल इस कंपनी का अच्छा नहीं आया है, प्रॉफिट्स के नंबर इसके प्रॉफिट घट गए हैं इस साल। लास्ट ईयर इसका जो प्रॉफिट था वो 13,800 मिलियन का प्रॉफिट था, जबकि इस साल इसका प्रॉफिट घटकर सिर्फ 10,000 मिलियन के अराउंड इसका प्रॉफिट रह गया है। तो ओवरऑल इसको 26% की प्रॉफिट में डीग्रोथ मिली है। इसी तरह से इसका ईपीएस भी लास्ट ईयर की तुलना में घटकर इस साल का ईपीएस 288 ही रह गया है, जबकि लास्ट ईयर इसका ईपीएस 397 रुपीस का था। तो एस्टिमेटेड नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो एस्टिमेट था रेवेन्यू का वो 116,000 के अराउंड हमें उम्मीद थी कि ये रेवेन्यू पोस्ट करेगी। तो हम ओवरऑल 15% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कंपनी से। हालांकि जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स ये पोस्ट कर रही थी उसमें हमें दिख रहा था कि इसको प्रॉफिट में कुछ मार पड़ रही है, और हमें उम्मीद थी कि इस साल प्रॉफिट्स के नंबर अच्छे आने वाले नहीं हैं। हमें ओवरऑल 20% का डीग्रोथ की उम्मीद थी, और उम्मीद थी कि ये लगभग 11,000 मिलियन का ये प्रॉफिट पोस्ट करेगी, पर ये जो और ईपीएस का हमें एस्टिमेट था कि ये 317 रुपीस का ईपीएस ये हमें जरूर पोस्ट करके देख 317 का ईपीएस ये पोस्ट करेगी। तो हमारा जो एक्चुअल ईपीएस आया है वो 288 रुपीस का आया है, तो हमारा ईपीएस टारगेट जो है वो मिस हो गया है। बिकॉज जो लेटर हाफ हुआ है 2019 का वो इकोनॉमी की तुलना में, ओवरऑल ग्रोथ की तुलना में उतना अच्छा नहीं आया है, और कंपनीज को प्रॉफिट में उतने अच्छे नंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं। ये सारे इसके नंबर्स हैं जो ये इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो हम देख सकते हैं रेवेन्यू में तो इस कंपनी ने ग्रोथ अच्छी दिखाई है, लेकिन इसको प्रॉफिट्स में मार पड़ी है, प्रॉफिट अच्छे नहीं आए हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ का जो रीजन इसने दिया है कंपनी ने, इसने बोला है कि हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है या सीमेंट की जो खपत है वो हाउसिंग सेक्टर्स के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रही है। गवर्नमेंट का फोकस मेट्रो में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रोड्स के डेवलपमेंट में, स्मार्ट सिटीज में, ये सारे चीजों की तरफ गवर्नमेंट का जो फोकस जा रहा है उसके चलते इसमें अच्छी रेवेन्यू की ग्रोथ इस कंपनी को अभी तक मिली है, और आगे भी मैनेजमेंट को अच्छी ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। यहाँ तक हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो बिकॉज इसका जो फ्यूल है वो ओपन मार्केट से ही इसको बाई करती है, और उसमें फ्लक्चुएशन के चलते आपको पता होगा लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने पेटको को बैन किया था, और उसके चलते इसको अचानक से जो फ्यूल है वो ओपन मार्केट से महंगे दामों पे खरीदने पड़े थे, और उसके चलते इसको प्रॉफिट में इस साल की मार्जिन में कमी आई है। और इसको जो प्रॉफिट है उसमें मार इसलिए भी पड़ी है कि इसका लगभग 178 करोड़ का नेट लॉस हुआ है इस साल। इसका इन्वेस्टमेंट था INFS में जो कि डूब चुकी है, आपको पता होगा है, हमारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने उसको जंक के स्टेटस में डाल दिया है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के चलते इस कंपनी को भी लॉस हुआ है। इस साल सीमेंट इंडस्ट्री ने 2018-19 में जो ग्रोथ दिखाई है वो 13% की दिखाई है, जबकि लास्ट ईयर ये जो ग्रोथ थी वो 6.3% की ग्रोथ थी। ये कंपनी ने हाल ही में एक एक्विजिशंस किए हैं कुछ, इसने जैसे कि आपको पता होगा हमारे देश से बाहर इसने एक एक्विजिशन किया था यूनियन सीमेंट कंपनी का, और एक और इसने एक्विजिशन किया है रायपुर हैंडलिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का, ये दोनों कंपनियों का इसने एक्विजिशन किया है। तो ये सारे इस कंपनी के कुछ अपडेट्स थे। अगर हम आम निवेशक की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। हालांकि अभी जो वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से अभी एक्सपेंसिव है,
थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। अगर ये इसमें कोई भी डाउन अगर डिप आता है तो इसमें SIP जरूर ही करनी चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 2020 के रेवेन्यू में हमें जो उम्मीद है वो 1,38,000 मिलियन का रेवेन्यू हम उम्मीद कर रहे हैं इस कंपनी से, लगभग 10% का रेवेन्यू ग्रोथ हम कहेंगे। और प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5% का प्रॉफिट ग्रोथ हम हमारा जो प्रॉफिट है वो इससे हम 10,600 मिलियन के अराउंड प्रॉफिट हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो EPS है हमारा वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 303 रुपीज का EPS ये पोस्ट करेगी इस साल। हालांकि ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स का हम वेट करेंगे और जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहिए इस कंपनी में इन्वेस्टेड और एक अच्छा मुनाफा आपको लंबे समय में ये जरूर कमा कर देगी। हाँ, आपको जो आपका नजरिया है वो 5 से 10 साल का रखना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।